हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्कशीट कैसे बनता है, मार्कशीट में परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, डिवीजन कैसे बनाया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे बनाया जाता है, कितना परसेंट किसका नंबर आया, एंड ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे सामने ये हमारा मार्कशीट का कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जिसमें रोल नंबर है, रोल कोड है, मैथ सब्जेक्ट में किसी का सब्जेक्ट में 95 है, ये सारा चीज़ नंबर है ना, देख सकते हैं। तो ये मतलब मान लीजिए चार पांच सब्जेक्ट का जो भी नंबर है, इसको हम लोग टोटल करना सीखेंगे। पहले टोटल करते हैं कि टोटल उनका स्कोर कितना हुआ। तो टोटल करने के लिए नॉर्मल फार्मूला हम लोग इंटर करेंगे, बराबर सम, एंड जितना भी उनका सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट का नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो G8 से नंबर लेके हमारा कहाँ तक हो रहा है, K8 तक का नंबर हमारा टोटल है। तो यहाँ तक को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए नॉर्मल बराबर सम G8 रेशियो K8। देखिए कुछ इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा आपका नंबर जो भी शो कर रहा है, एंड ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इनका टोटल नंबर जो है 308 नंबर आ रहा है। तो फिर इसे पकड़ के नीचे स्क्रॉल कर देंगे, निकाल सकते हैं। अब हम लोग निकालते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए नॉर्मल आपको क्या करना है कि जो भी टोटल नंबर है, टोटल नंबर जैसे यहाँ हमारा निकला है, तो टोटल नंबर में जितना भी सब्जेक्ट है उसको उतना से डिवाइड कर देना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट का है, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट का आप नंबर ऐड कर रहे हैं तो 6 सब्जेक्ट को नंबर को ऐड डिवाइड कर देना है। तो नॉर्मल हम लोग को यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, तो नॉर्मल बराबर L8 डिवाइड 5 और इंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं 61.6% इनका क्या है जो नंबर आ रहा है। इसे पकड़ के नीचे में स्क्रॉल कर देंगे सेम, तो सबका आ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, किसी का 55 आया, किसी का 55.54.6 नंबर आ रहा है। अब हमको डिवीजन निकालना है कि डिवीजन मतलब इनका फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, ऐसे हम लोग का डिवीजन पता करना। तो डिवीजन पता करने के लिए नॉर्मल तो कुछ इस तरह से हम लोग फार्मूला लिख लेंगे, टोटल पे लिख लेंगे। जैसे कि K8 हमारा 300 से अगर ज़्यादा नंबर है या 300 के बराबर नंबर है तो वो फर्स्ट होगा, एंड उसके बाद जिसका नंबर 225 या 225 से ऊपर और 300 से नीचे है वो सेकेंड होगा, एंड उसके बाद जिसका नंबर 150 या 150 के से ऊपर है तो वो थर्ड होगा, एंड उससे जिसका भी नीचे है वो फेल हो जाएगा। तो नॉर्मल हम लोग इसको करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट आ गया, एंड इसे नॉर्मल पकड़ के हम लोग नीचे में स्क्रॉल कर देंगे। तो देखिए ये ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम लोग को पता हो जाएगा। जैसे कि आज 60% है, 300 से कम नंबर है, 300 से कम नंबर है तो सेकेंड हो गया, फिर 300 से कम नंबर है तो सेकेंड हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारा डाटा का आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिनटों में पता कर सकते हैं।